अभाग्यवश मैंने इलाहाबाद में 1966 के आसपास बहुगुणा के राज्य में मास्टर प्लान देखा था। उस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। सिविल लाइन को अल्ट्रामॉडर्न बनाने में महमूद बट साहब का बड़ा योगदान था। लगभग यही समस्याएं उस समय भी थी, लेकिन जो फर्क है वो है आत्मीयता मानवता का। किसी के भी विस्थापन के पहले लोगों को रहने पानी आदि की समुचित व्यवस्था की गई थी। मुझे याद है मास्टर प्लान के कारण इलाहाबाद को ऑक्सफोर्ड कहा जाने लगा था। दुर्भाग्यवश फर्रुखाबाद के आज के पटिया तोड़ अभियान को मास्टर प्लान बताकर लागू किया जा रहा है। विवेकहीन एक तरफा डिक्टेटोरियल तोड़फोड़ को विकास कहा जा रहा है। ये विकास नहीं विनाश है। लोगों ने अतिक्रमण किया होगा, लेकिन ये क्यों हुआ? किन बिचौलियों के द्वारा किया गया? पिछले 20 सालों से क्यों चुप थे? क्या उन भ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित किया गया? विडंबना देखिए, वही अधिकारी इसे लागू करा रहे हैं। फर्रुखाबाद को यूक्रेन बनाने में कोई बाहरी नहीं, अपने ही देश की नेता नगरी है। सलमान खुर्शीद के काल में भी एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में शायद ये बताया गया था कि शहर के अंदर तोड़फोड़ न कर बाहरी क्षेत्रों में हाईवे बना ट्रांसपोर्ट कराया जाए, केवल इंक्रोचमेंट हटवाया जाए। ऐसा करने का कारण बताया गया था, कहा गया था अंदर तोड़फोड़ कराने से फर्रुखाबाद तबाह हो जाएगा, हजारों करोड़ों का नुकसान होगा। संक्षेप में कहा गया था शहर का प्रसार कर समस्या को सुलझाया जाए। मेरे विचार से कम 1,000 करोड़ का पब्लिक लॉस हो चुका है। रेलवे रोड पर ही 40% दुकानदार बेरोजगार हो चुके हैं। काफी किराएदार प्रताड़ित हुए हैं। मुझे मजबूरन शहर छोड़ना पड़ा, अपना सामान नौने पौने बेचना पड़ा। ऐसे अनेकों केस होंगे, जिम्मेदार किसे कहा जाए? जनता को नहीं, सिर्फ अनपढ़ विवेकहीन नेताओं को, जो विकास के नाम जबरन गद्दी पर बैठ बुलडोजर चलवा खुश हो रहे हैं। जनता को उजाड़ कर विकास नहीं होता, बल्कि लंका बनने में देर नहीं लगती।